मारा अबे वापस आ अबे इमरान फंस गया। तो इनका शूट हो गया तो मैं थोड़ा सा आगे चल रहा है तो अब व्यू देखो यार क्या क्या जबरदस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से पूरा पहाड़ बर्फ से भरा हुआ है। तो अभी चलते हैं हम आगे। अभी पापा का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि आगे रास्ता बहुत खराब है तो जहाँ पे ट्रैक्टर लगा हुआ है वहाँ से ज्यादा आगे मत आना। अभी जब ट्रैक्टर ढूंढ रहे थे फाइनली हमको ट्रैक्टर मिल गया। थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो हमने गाड़ी लगा ली है वहाँ पीछे तो ये रहे शिराज भाई। तो अभी चलते हैं आगे। आगे मशीन लगी हुई है, हमको तो बोला गया था कोई 2 किलोमीटर पीछे रुकने के लिए लेकिन हम फिर भी आगे निकल आए। हमने सोचा रिस्क नहीं लेते हैं क्योंकि पीछे रोकने के रुकने के लिए बोला था, फिर हमने सोचा आगे रुक जी यहाँ पे रुक जाते हैं। अरे नहीं 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 और ये बर्फबारी शुरू होगी एक दूसरे पे। गाड़ी पहले पीछे पार्क की थी फिर आगे देखा गया था आगे रास्ता साफ है दूसरा गाड़ी लेके आते हैं। तो हमारे हैवी ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहे हैं, ये बहुत ही हैवी ड्राइवर है। अरे वो तो भाग गए, भागो अबे हमको भी ले जाओ। अरे इधर भाग गए। तो ऊपर देखो बर्फ पूरी है। कोई लोग चल के गए क्या, चल के गया लोग कैसे चल सकते हैं ऐसे यार। यहाँ से निकालने की सोच रहे थे तो देखिए रिवर्स करके निकल गए हो। नहीं नहीं जाइए वो स्लिप हो जाएगा उसके अंदर। और ये हमारे हैवी ड्राइवर ये घुस गए अंदर ही ना जाओ आप आ जाओ चलो चलो। देखिए दया तो 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 कुछ तो गड़बड़ है। और ये चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों पे श्वेता भाई गॉफ कर ले। वो देखिए बीच में थोड़ा कुछ दिक्कत बना सकते हैं। हाँ उधर नीचे तो हमने खाना बनाने की जगह डिसाइड कर ली है, बैठने की जगह भी डिसाइड होगी।
तो हम एक्चुअल में लास्ट टाइम आए थे, हम गए थे सरथल मतलब गुलडंडा गए थे, हमने सब कुछ मटेरियल लिया था, चाय बनाने लगे और दूध फट गया, वो बेटे मैं घुस गया, अबे वापस आ, अबे इमरान फंस गया। और ये थोड़ी थोड़ी लकड़ी उठा के आ रहे हैं, और ये देखो लकड़ी है मेरे पास, इसे नहीं गिराया। चलो तो सिराज साहब ने पूरा खाने पीने का मटेरियल उठाया हुआ है, हम लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं। तो अभी अभी मेरे जूते में बर्फ हुई थी, इतना ठंडा महसूस हुआ, बहुत मुश्किल से जूते खोल के मैंने बर्फ बाहर की है। हम ये बना रहे हैं, पहले थोड़ा सा आग जलाएंगे जिस पे कढ़ाई टिक जाए, चूल्हा समझिए। अब हम आग जला रहे हैं, और ये हमारा सैनिटाइजर, इंजीनियरिंग का दिमाग, ये देखो, ये देखो, इसीलिए लाया था हमने एक्चुअल में कि आग जल्दी लग जाए। पहले बनाते खाना, भूख लगी बहुत। ये हमारे शेफ जो प्याज काट रहे हैं, बेटा बेटा शाबाश, और वो आग लग रही है, जर्म फ्री आग है क्योंकि सैनिटाइजर डाल डाल के आग लगाई है हमने। तो पहले हमने वहाँ आग जलाई जहाँ खाना बन रहा है, को आधा एक घंटा लग गया आग जलाने में। फिर हमने तो बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ पे, माइनस में ही टेम्परेचर होगा यहाँ पे। तो अब हमने यहाँ पे आग अभी अभी जला ली, तो पहले खाना बन जाए, बहुत भूख लगी, मुश्किल से खाना बना है, बड़ा मतलब सैनिटाइजर साथ भी होता तो आग जलनी नहीं थी आज हमारी, और हमारे ये भाई साहब साथ भी होते आग नहीं जलनी थी। ये देखिए गोला बन रहा है, देख रहे हो देसी जुगाड़ हर जगह चल रहा है यहाँ पे, बस करो। तो काफी लेट हो गए थे, खाना बहुत मुश्किल से बना क्योंकि आग बार बार बुझ रही थी, खाना बन गया लेकिन खाने में मिर्ची इतनी ज्यादा हो गई थी कि अब जूस पीना पड़ रहा है। तो काफी ठंड होगी और अंधेरा भी होने वाला है, अब निकलते हैं थोड़ी देर में आग सेकते हैं, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। तो थोड़ी सी आग सेकते हैं, आग बुझाएंगे फिर चले जाएंगे, तो काफी मस्ती कर ली, तो अब निकलते हैं क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है। इससे आगे हम गए नहीं क्योंकि आगे काम चल रहा है और गाड़ी आगे जा नहीं सकती थी, और अब थक भी गए थे। तो काफी मजा आया आज, काफी इंजॉय किया हमने। तो आज के लिए अलविदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में बताना जो जो गलतियाँ हुई हैं।